नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये किसी दिव्य वनस्पति से कम नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी इतनी सारी प्रशंसा की गई है कि शायद ही ऐसा कोई रोग हो जो इससे दूर न किया जाए। लेकिन यह पौधा जहरीला होता है, इसलिए सावधानी पूर्वक और वैद्य की देखरेख में ही इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस पौधे की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह पौधा आंकड़े का पौधा है, जिसे कुछ लोग मदार, हकौगा, आंक आदि नाम से भी जानते हैं। अधिकतर इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सफेद फूल वाली और एक बैंगनी रंग के फूल वाली। आप किसी का भी औषधीय प्रयोग कर सकते हैं। जब इसके पत्तों को तोड़ा जाता है या इसकी टहनी और फूलों को तोड़ते हैं तो सफेद रंग का दूध निकलने लगता है। यदि सूर्योदय के समय इसके पत्तों को तोड़ते हैं तो अधिक मात्रा में दूध निकलता है। इस पौधे के औषधीय फायदे और प्रयोग जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि इस पौधे से निकलने वाला दूध आंखों के लिए नुकसानदायक है। यदि गलती से भी आंखों में लग जाता है तो आंखों की रोशनी जा सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। और यदि गलती से आंख में दूध चला जाता है तो देसी गाय का घी आंखों में लगाना चाहिए, जिससे आंखें खराब होने से बचाई जा सकती है। जिन व्यक्तियों को बाबासिन नाम की समस्या है, वह सूरज निकलने के पहले इस आग के पौधे की 3 बूंद दूध बताशे में रखकर खाएं। ऐसा नियमित कुछ दिन तक करते रहने से बाबासिन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को सिर दर्द, आधा सीसी, माइग्रेन की समस्या है, वह भी बताशे में आंकड़े के 1 से 2 बूंद दूध टपकाकर सेवन करते हैं तो उनकी समस्या भी दूर हो जाती है। सभी प्रकार के बुखार, मलेरिया, वायरल फीवर आदि को ठीक करना चाहते हैं तो सुबह सुबह इस आंकड़े का एक फूल यानी कि नई कोपलें जो होती हैं उसमें से एक आपको लेना है और उसको पान के अंदर रख कर चबा चबा कर निगल लेना है। ऐसा करने से सभी प्रकार के बुखार और वायरल फीवर ठीक हो जाते हैं। सर्दी जुकाम और बंद नाक को ठीक करने के लिए आंकड़े के 1 चम्मच दूध में 1 चम्मच चावल को भिगोकर छाया में सुखा कर रख लें और बारीक पाउडर बनाकर उस पाउडर को सूंघने से या उसकी चिकनी देने से सर्दी जुकाम ठीक होता है और बंद नाक खुल जाती है, क्योंकि आपको खूब ज्यादा छींके आएंगी जिससे जमा हुआ कफ निकल जाएगा और कुछ समय बाद छींके बंद हो जाएंगी। यदि छींकों की समस्या बंद नहीं होती है तो 1-1-2 बूंद गाय का घी नाक में डालने से समस्या ठीक हो जाएगी। अधिकतर बाल तोड़ हो जाने पर इसके पत्तों को गर्म करके यदि बांध दिया जाए तो बाल तोड़ की समस्या ठीक हो जाती है। जिन व्यक्तियों को हाथी पांव हो जाता है, जिसे फाइलेरिया भी कहा जाता है, उसमें इस आंकड़े की जड़ का छोटा सा हिस्सा यदि पैर पर बांध दिया जाए तो हाथी पांव की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दांत, खाज, खुजली और चर्म रोगों को दूर करने के लिए आंख के पत्ते और फूलों को छाया में सुखाकर किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसकी भस्म तैयार कर लें और उस राख में सरसों का तेल मिलाकर यदि चर्म रोगों पर लगाते हैं तो सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। जहाँ पर महंगी से महंगी दवाएं बेअसर हो जाती हैं, वहाँ पर इस आग के पौधे का उपयोग चमत्कारी लाभ दिखाता है। यदि आप भी इस आंकड़े के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।